हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैंडपंप है और ये पानी छोड़ देता है एकदम, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री हो गया है। इसको अगर पानी निकालना है तो इसको आपको उल्टा करके इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, तभी ये पानी निकालता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपका हैंडपंप काम न करे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो में आज हैंडपंप को रिपेयरिंग भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हैंडपंप को मैं हिला रहा हूं, मगर ये पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अगर पानी निकालना है आपको तो इसको उल्टा करके इसके अंदर पानी डालना पड़ता है, और पानी डालने के बाद तब जाके ये आप देख सकते हैं पानी निकल रहा है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसका जो वॉशर होता है अंदर का, उसके नीचे एक वाल्व होता है, एयर वाल्व, उसमें से एयर लीक होने के बाद पानी जो है वो नीचे लाइन में वापस चला जाता है। तो उस जो वाल्व है इसका, इसको हम ठीक करेंगे। उसके अंदर थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें वेट बिल्कुल कम होता है, तो उसी कारण ये प्रॉब्लम होता रहता है। तो पहले क्या करेंगे, इसके जो जितने बोल्ट है इसको खोल देंगे। कई सारी डंकी हैंडपंप में ये बोल्ट नहीं होता है, ऐसे घुमाने वाला अंदर चूड़ी होता है, तो हर हैंडपंप में थोड़ा बहुत तो अंतर रहता है, बाकी सब में अंदर का जो फंक्शन है वो सेम ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। तो इसको पहले यहाँ से एक बोल्ट ही हटा लेंगे और एक ही हटा लेंगे, और नीचे का आप देख सकते हैं कि ये वाला है, एक ये वाला है। इसके बाद हैंडपंप को यहाँ से नीचे से इसमें से निकाल के बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए, मैं निकालने के बाद आपको। तो दोस्तों, बोल्ट चारों चार निकल गए हैं, एक ये और एक आप देख सकते हैं इस तरफ का है, नीचे के ये दो है वो निकाल दिया है, यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसको अब क्या करेंगे, खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ सिर्फ पाइप में लगाया गया है, उसको ऐसे करेंगे तो ये निकल जाता है। आपके सामने आप देख सकते हैं हैंडपंप पूरा निकल गया है। तो चलिए, इसको अभी निकालने के बाद इसमें से पानी निकाल लेते हैं। तो चलिए, इसको अभी ठीक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसको कुछ करना नहीं है, पूरे जितने बोल्ट है 6 के 6 बोल्ट यहाँ से खोल के ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से साइड में कर लेना है। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ करने के बाद। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ऐसे 10 और 11 नंबर के रिंच से ये पूरे बोल्ट खुल जाते हैं, और खोलने के बाद देख सकते हैं पूरा का पूरा खोल लिया। इसके बाद इसको हटा लेना है। तो दोस्तों, अब क्या ये पूरा फंक्शन यहाँ से इतना अलग हो गया है, इसका बोल्ट अलग करने के बाद, ये जिसकी जितने नट बोल्ट है इसको अलग कर दिया। इसके बाद अब ये यहाँ पे 16 नंबर का एक नट लगा हुआ है, तो आपको 16 नंबर के इसको थोड़ा लूज करने के बाद ये इसको गोल गोल घुमाएंगे, तो यहाँ से ये जो लाइन है अलग हो जाता है। इसके बाद ये खोलने के बाद इसको इस तरफ से इस तरफ सरका के निकाल लेना है। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। बाद इसको एक हाथ से आप घुमा सकते हैं ऐसे। तो ये यहां से अलग हो गया है, और इसको भी हम साफ कर देंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद अब ये पूरा यहां से हटाने के बाद इसको भी खोल लेना है। तो इसको खोलने में तो कुछ है नहीं, तो चलिए मैं आपको खोल के बाद में दिखाता हूँ, तब तक के वीडियो पुश करो। दोस्तों, इसके सारे बोल्ट हमने निकाल लिए हैं और ये पूरा खुल गया है, बस एक दिखाने के लिए आपको एक बोल्ट रखा गया है। तो इसको भी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये निकल गया है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वॉशर के साथ में एयर वाल्व है जो पानी को रोक के रखता है एयर की वजह से। तो ये ऐसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से होता है। तो ये इस प्रकार से अंदर अटैच रहता है,
और इसके ऊपर ये हमारा जो ये पाइप है पानी का, ये इसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से फीड हो जाता है। और ये जब हम इस हैंडल को ऐसे हिलाते हैं इस प्रकार से तो ये यहाँ से एयर की कंप्रेशन से इसको ये एयर की वजह से उड़ जाता है। तो उठने के बाद इसमें पानी अंदर भर जाता है और यहाँ से पानी बाहर आता रहता है। बस यही साइकिल इसमें चलती रहती है। और एक ऐसा ही एक और वाल है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाल कभी कभी खराब हो जाता है, तो इसमें वेट कम होता है, तो इसमें वेट आपको ज्यादा करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, इसमें पहले मैंने एक बार रिपेयरिंग किया था, क्योंकि मैं नया हैंडपम्प लाया था, मगर इसमें थोड़ा कंपनी में से ही कोई फॉल्ट निकला हुआ है, तो इसमें वेट बहुत कम होने के कारण इसमें मेरे को वेट बढ़ाना पड़ा। क्योंकि पहले भी एक बार मैं हैंडपम्प नया लाया था, इसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ था। कभी कभी थोड़े दिन चलता है, उसके बाद ये अपने आप उड़ जाता है, तो उठा ही रहता है। तो वेट के अगर आप इसमें कोई बोल्ट फंसा देंगे, तो ये वेट की वजह से ये नीचे रह जाएगा और उठने में थोड़ा देर लगेगा। तब तक हमारा हैंडपम्प अच्छी तरह से काम कर लेता है। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने दो बोल्ट एक्स्ट्रा लगा के रखे और एक बीच में बोल्ट फंसा के रखा, वरना इसमें बोल्ट होता नहीं है, सिर्फ ये वॉशर ही होता है। तो इसको वेट बढ़ाने के लिए वेट को इसमें ये बोल्ट को डाला गया है। तो इस प्रकार से अब इसमें भी हम बोल्ट डालेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये इसका वॉशर है और ये वॉशर जो है इसके अंदर ही एक इस प्रकार का ही एयर वाल होता है, इसी प्रकार का। तो आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि इसी प्रकार का एक वाल इसके अंदर भी आता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको खोलने का तरीका कुछ नहीं है, आप हाथ से भी इसको खोल सकते हैं, या तो इसमें कोई ऐसा रॉड भरा के आप घुमा सकते हैं। तो इसको घुमाने के बाद ये निकल जाता है, और कभी कभी आपको इसका वॉशर खराब हो जाता है, जो पानी खींचता है वह को कंप्रेस करता है, तो ये वॉशर ही होता है। तो ये आपको आफ्टर मार्केट मिल जाता है, कभी भी खराब हो जाए तो। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक वॉशर है जो बिल्कुल इसी प्रकार का है। तो इसमें क्या है, एक बार मैंने वेट लगाया था, मगर ये वेट थोड़ा कम पड़ा है। तो इसको अभी क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद इसमें डायरेक्ट छेद करेंगे। छेद करने के बाद एक अंदर बड़ा सा बोल्ट फंसा देंगे, इसी प्रकार का जैसा इसमें फंसाया है, इसी प्रकार का वेट इसमें डाल के इसको भी बढ़िया कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। तो चलिए, इसको होल बोल करने के बाद मैं आपको कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे सेट करना है। इसको हटाने के बाद और कुछ है नहीं, और ये आप देख सकते हैं, इसमें एक वॉशर दिया गया है प्लास्टिक का ही, तो इसी वजह से पानी रुक जाता है। तो इसको यहाँ से काटेंगे, इसमें एक बोल्ट फंसाएंगे और इसके साथ में इसको अटैच कर। तो दोस्तों, अभी इसको मैंने निकाल के यहाँ वाइस में फंसा दिया, और इसको हम आरी की ब्लेड से काट देंगे। तो दोस्तों, फिलहाल मेरे पास आरी का ब्लेड तो नहीं है, मगर एक ये पुराना करवत जो है वो पड़ा है, तो ये करवत से इसको यहाँ काट लेंगे इसको। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। आप चाहे तो आरी की ब्लेड से भी काट सकते हो, मेरे पास ब्लेड नहीं था, इसीलिए मैंने इसका उपयोग किया। इसके बाद दोस्तों, इसमें बीच में हमें आप चाहे तो कोई भी रॉड है या तो कोई बोल्ट है, इसको आप गैस पर गर्म करने के बाद इसमें छेद कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है, अगर इसके टूल्स है, बीट है, तो आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ड्रिल मशीन भी है और बीट भी है, तो मैं बीट और ड्रिल मशीन का उपयोग करूँगा। तो दोस्तों, इसको हमने वाइस में फंसा दिया है, और आप देख सकते हैं मेरे पास ड्रिल है और इसमें 10 नंबर का बीट चढ़ा हुआ है। इसमें हम छेद कर देंगे, इसके बाद इसमें बोल्ट लगा देंगे पेच को। तो चलिए, इसको अभी होल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसमें ड्रिल से छेद करने के बाद एक तरफ से इसमें बोल्ट को फंसाने के बाद इस तरफ दो नट लगाया है, और दो वॉशर के बीच में साइकिल का जो पंचर वाला ट्यूब होता है, ये जो काम में नहीं होता है, ऐसे ही साइकिल का ऐसे खराब ट्यूब पड़ा था, इसमें से इसमें छेद करने के बाद ऐसा वॉशर बना के इसमें दोनों तरफ लगाया है, ताकि इसमें से पानी या तो एयर लीक ना हो। तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसको अभी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पहले तो जाने ये वॉशर इसमें ऐसे लगा लेना है, इसके बाद ही इसमें रखने के बाद इसको ऊपर से ये फिट कर लेना है। ये बन गया बिल्कुल कंप्लीट, और अभी काम भी कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसके अंदर अभी हम इसमें
फंसा लेंगे, तो आप देख ध्यान रखना है उल्टा ना फंस जाए, इस तरह से आएगा। और इसमें फंसाने के बाद आप चाहे तो इसमें कुछ डिसमिस करके यहाँ बाहर निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें अभी ये लगाना थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से लगा लेना है। तो ये लग गया है। इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा ये एकदम बिल्कुल फिट कर लेना है, ताकि यहाँ से ये हिले नहीं। इसके बाद ये हमें इसको लगा लेना है। वो भी इसे नट बोल्ट सारे यहाँ पे फिट कर लेंगे हम। इस प्रकार से फंसा के तो दोस्तों इसके बाद मैंने सारे बोल्ट लगा दिए हैं। और ध्यान रखना है कि जो इसका हैंडल है ये इसके सामने से थोड़ा इस तरफ आए, पीछे ना चला जाए, वरना क्या है कि इसको दीवार पर फिटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये खास ध्यान रखना है। अभी इसका ये सिरा हमको फिट करना है। तो ये क्या करना है, इसको जमीन पे रखने के बाद इस प्रकार से, इसको भी आपको जमीन पे इस प्रकार से रखने के बाद ये इसे लगा लेना है, ताकि इसका एकदम बिल्कुल ठीक आ जाए। और ये इसका जो एयर वाल्व है इसको भी इस प्रकार से लगा लेना है, और इसके बाद इसको यहाँ ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सिरा भी बिल्कुल लग के कम्प्लीट हो गया है, और इसके सारे बोल्ट जो है मैंने कस लिए है, ऊपर और नीचे के दोनों कस लिए है। अब इसको लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी आता है कि नहीं। तो चलिए अभी लगाते हैं। इसको लगाने के में तो कुछ है नहीं, बस यहाँ पे इसको इस प्रकार से अंदर रखना है और यहाँ पे लगा देना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार से दीवार में भी अटैच हो जाता है। आप चाहे तो इसको नीचे भी लगाने वाला पंप भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों अवेलेबल है, दीवार वाला भी है और नीचे आप इसमें फाउंडेशन लगा के भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें पानी आता है कि नहीं। पहले तो क्या है कि शुरुआत में थोड़ा पानी डाल के लाइन भरना पड़ता है। तो अभी कंप्लीट हो गया है, हैंडपंप बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी इसमें कोई पानी की दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं, आप कभी भी इसको हैंडल मारेंगे, चाहे 20 मिनट रह जाए, चाहे एक घंटा के बाद भी हैंडल ऐसे लगाएंगे आप, तो पानी ये अवश्य निकालेगा। क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें जो इसके दोनों वाल है उसमें वेट तो कम था पहले में, तो मैंने नीचे वाले में तो वेट आपने देखा था पहले से ही लगा दिया था, और ऊपर वाले में जो है वेट मैंने लगाया नहीं था, क्योंकि अभी तक चल रहा था। तो सोचा कि अभी चल नहीं देते हैं, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। तो आखिरकार ये भी मेरे को लगाना ही पड़ा। तो आप इस प्रकार हैंडपंप को भी आप रिपेयर घर पे खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना सही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।